वेलकम टू श्रेया चटर्जी व्लॉग्स। आज एक रेनी डे है, कोलकाता में अभी बारिश हो रहा है और मौसम काफ़ी सुहाना है। आज मेरे साथ है शुभजीत एंड पिंटूदा। आज श्रीकांत नहीं है क्योंकि श्रीकांत का थोड़ा सा हेल्थ खराब है, जिस वजह से घर पे रेस्ट कर रहा है। एक्चुअली आज मुझे कुछ सामान लेने थोड़ा पार्क स्ट्रीट जाना था, जिस वजह से आज निकलना था। तो सोचा कि जब पार्क स्ट्रीट जा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पार्क स्ट्रीट दिखा दूँ। पार्क स्ट्रीट में ऑक्सफोर्ड जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेने हैं, यही बस वजह है। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के पास एक रेल गेट है, एक रेलवे क्रॉसिंग है, और ये जो भी इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ उनके लिए एक नाइटमेयर है ये रेलवे क्रॉसिंग। क्योंकि आप एक बार यहाँ पे फंस गए तो 20 मिनट तो मैंने बहुत मिनिमम बोला, 40 मिनट से 1 आवर भी आपको लग सकता है। तो ये जो आइकॉनिक रेल क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, अभी हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं कब ट्रेन जाए, ये गेट खुले और फाइनली हम जा पाए। ये गेट ऐसे जगह पे है जिसके वजह से मुझे कहीं पे भी जाना हो मुझे ये क्रॉस करना ही है। तो हर जगह पे जो मैं लेट पहुंचती हूँ उसके पीछे है ये रेल गेट। फाइनली गेट खुल गया है और हम लोग जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट की तरफ। बारिश अभी थोड़ा सा रुका है, ऐसे बारिश आता है ना हर वक्त जैसा एकदम घंटों भर बरसेगा, थोड़े देर बारिश होके ही बंद हो जा रहा है। कोलकाता में इस बार अभी तक तो अच्छा बारिश नहीं हुआ है, देखते हैं। डार्क क्लाउड्स है और थोड़ा सा बारिश होगा तो ही थोड़ा सा वेदर ठंडा होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रहा है। ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, पसीना पसीना हो जा रहे हैं हम लोग। मैं अभी सेकंड हुगली ब्रिज के ऊपर से जा रही हूँ और पार्क स्ट्रीट, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता के बाहर स्पेशली, उनके लिए बताना चाहूँगी पार्क स्ट्रीट एक बहुत ही हैपनिंग जगह है। तो जब भी कुछ पार्टी करना हो आपको, या बहुत सारे लाइन्स रेस्टोरेंट से, और सारे बहुत पुराने रेस्टोरेंट है, तो ये सारे जगह के लिए पार्क स्ट्रीट बहुत फेमस है। तो बचपन से ही पार्क स्ट्रीट एक कॉमन प्लेस रहा मेरे लिए हैंगआउट के लिए। बट आप जो लोग भी कोलकाता के बाहर मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सजेशन है, अगर कभी कोलकाता आते हैं तो पार्क स्ट्रीट एक बार ज़रूर जाइए। वहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इतने सारे पब मिलेंगे आपको, सच में मस्त है। तंत्रा बहुत ही फेमस और पुराना पब, पुराना नाइट क्लब है तंत्रा, और मेरा फेवरेट है इनमें से संपी, संप्लेसल्स। संपी मस्त जगह है, मैं जब भी थोड़ा सा डल रहती थी या लोनली फील करती थी तो मेरा फेवरेट टाइम पास ये रहता था, मैं संपी जाके बैठ जाती थी और थोड़ा टाइम अकेले वहाँ पे स्पेंड करके फिर घर आती थी या ऑफिस जो भी है जाती थी।
अभी तक इंडिया में बहुत सारे सिटीज घूम चुकी हूँ, लेकिन मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ बोल के नहीं। मैं एक चीज़ जेन्युइनली देखी हूँ कि कोलकाता में जैसा अपना हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को पकड़ के रखे है, जिस तरीके से कोलकाता अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे सिटीज़ में वो सारी चीज़ें है ही नहीं। तो कोलकाता में आके जितना आपको मॉडर्न चीज़ें मिलेगा, उतना ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड में बुक्स खरीदने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है चाबार, तो चाबार में मैं और शुभो आ गए हैं कुछ स्नैक्स के लिए। एक्चुअली 2-3 दिन से हमें पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो जिस वजह से हमने एक पिज़्ज़ा और एक दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लैश ऑर्डर किए हैं। देखते हैं कब तक आता है हमारा पिज़्ज़ा। टी मस्त है। पिज़्ज़ा ऑसम, अच्छा है, टेस्टी है, ट्राई करो। बढ़िया ही है, बहुत मस्त तरीके से चीज़ दी है इसमें। कोलकाता में रोल खाना है और पार्क स्ट्रीट में आप है, तो यहाँ पे एक रोल सेंटर है कुसुम रोल्स बोल के, मस्त है यहाँ का रोल, एक बार ट्राई करके देखिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अभी मैं नेचर्स बास्केट जा रही हूँ, मुझे एक दो सामान वहाँ से लेना है और उसके बाद फ्लूरिस जाना है, फुलकान के लिए कुछ सामान खरीदना है मुझे।
gourmet lovers. We want to board it. Live the opulent life with nature's best in SPI Garden Elite. Enjoy 20 rewarding points for at least 100 spent on shopping. Isn't that added sugar here, Shaz? Okay, is it here? ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है। Get this exclusive premium gourmet credit card now and enjoy Nature's Basket welcome gift voucher worth rupees 5,000 and many other benefits. For more information, actually मुझे कुछ breakfast cereals लेना था, तो देखती हूँ कौन सा अवेलेबल है। ये पहले भी बोली हूँ। No added sugar. Sugar नहीं है, इसमें okay. Jaggery दिया गया है as a sweet. Okay. और इसमें एकदम no added sugar. Expensive. I think मुझे एक बार ले ही लेना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो नहीं। क्योंकि मुझे अपने लिए मुझे अपने लिए ही चाहिए। And enjoy Nature's Basket welcome gift voucher worth rupees 5,000 and many other benefits. For more information. Shopping चल रहा है और देख रही हूँ और क्या-क्या आइटम है जो मुझे चाहिए या मुझे मिल सकता है। स्पेशली कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें जो इतना ईजीली अवेलेबल नहीं होता है, हर एक किराना शॉप में आपको नहीं मिलेगा, तो नेचर बास्केट उसके लिए एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है अगर कोलकाता से कोई देख रहे हैं और आपको अगर ऐसे कुछ आइटम ख़रीदना है तो आप लोग एक बार नेचर बास्केट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वाव मोमो का प्री कुक्ड मोमो से मतलब रेडी टू ईट जो बस स्टीम करके आप खा सकते हैं वो वाला मोमो अवेलेबल था। सच में मस्त है, मुझे एक लेना था लेकिन आज नहीं, आज ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सामान ले लिया तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। चीज़ क्यूब्स मोज़रेला। सो मेरा शॉपिंग हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ बिलिंग के लिए, देखते हैं बिल कितना हुआ है। मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया है, लेट्स सी। नेचर बास्केट का काम हो गया है, जो जो सामान लेना था सारे ले लिए। अभी मैं फ्लूरिस जा रही हूँ, श्रीकांत को एक पफ खाना है, वेज पफ, तो वही उठाने जा रही हूँ और उसके साथ देखती हूँ कुछ पेस्ट्री कुछ और मिल जाए तो वो भी ले सकती हूँ, लेट्स सी। थैंक यू। सो अभी थोड़ा सा रश है, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, वेज पफ ले रही हूँ, डोनट ले रही हूँ, शुभ एक चॉकलेट मॉफिन खाएगा, एक चॉकलेट मॉफिन ले रही हूँ, बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारे सामान ले लिया है हमने। अच्छा, कोलकाता का और एक स्पेशलिटी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट साइड ऐसे छोटे छोटे बुक स्टॉल्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बुक्स ही आपको मिल जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है पार्क स्ट्रीट आते हैं तो यहाँ से कुछ बुक्स खरीदने का। पिंटू दा कहाँ पे है? पीटर कैट के गली में। ओके, सो अभी जा रही हूँ। पिंटू दा कहाँ पे कार पार्क किया है देखना है। आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम गला ना, थोड़ा ठंडा लगा है ना, ना छोड़ दो, मत खाओ फिर। तो अभी देखती हूँ, पिंटू द पीटर कैट के गली में है। पीटर कैट एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, लेकिन हर टाइम इतना सारा भीड़ रहता है यहाँ पे, जिस वजह से मैं पीटर कैट बहुत कम आती हूँ, शायद खाली दिखेगा कभी तभी आऊँगी। मुझे रेस्टोरेंट में खाने को लेके एक पॉइंट है जो हमेशा
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। कुछ फेमस रेस्टोरेंट रहते हैं जहाँ पे अगर आपको खाना है तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मतलब मुझे कभी भी ये समझ में नहीं आया है कि मैं पैसे पे करके खाना खाने जा रही हूँ तो मैं इतना लंबा लाइन में क्यों खड़ी रहूँ। तो कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट होने दीजिए, मुझे ये पसंद नहीं, जिस वजह से मैं शायद गिन के दो बार पीटर कैट आ चुकी हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं जब भी पीटर कैट के सामने से जाती हूँ इतना लंबा भीड़ है, मतलब आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर लोग खड़े हैं। और ये बस दुर्गा पूजा के वक्त होता है, ऐसा नहीं, हर टाइम पीटर कैट इतना ही रश में रहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज पीटर कैट एक्चुअली एक अच्छा ऑप्शन है। मैं पार्किंग तक आ गई हूँ और अभी जाने वाली हूँ घर। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल का मेंबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए जगह पे, तब तक स्टे ट्यून्ड।